तूने उस लड़की को नहीं मारा ना? नहीं बाबा, सच पता मेरे को। अरे बोला ना, बर्लिन ने उसको फोन के साथ पकड़ा और आप उनको बोल दिया उसको मारने को, तो मारना तो पड़ेगा ही ना। क्या किया मोनिका के साथ? मोनिका कहाँ है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुमने मोनिका के साथ क्या किया है? मैंने हालचाल जानने के लिए फोन नहीं किया है प्रोफेसर। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा ना करूं, तो तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही करना होगा। बैठे बैठे पीठ तो सबकी अकड़ जाती है इंस्पेक्टर। आपको नहीं लगता इन बेचारों की मदद करके हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं? मैं किसी भी हॉस्टेज को डराना या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सब लोग सुरक्षित वापस जाएं। जैसे ही मुझे मेरी चीजें मिल जाए, बस और कुछ नहीं। सबके पास बंदूकें हैं, पोजीशन लो। आई रिपीट, सब पोजीशन लो। प्लीज ऑर्डर दीजिए सर। सच बता, तुम लोगों ने क्या किया मोनिका? बैठ जा, मोनिका तेरे को बोला ना पीछे चल, पीछे रहने का चल। छत पे कुछ हलचल हो रही है, आपके ऑर्डर का इंतजार है सर। मोनिका को मार डाला तुमने, ओह माय गॉड, वो कितनी मासूम थी। कॉन्डर वन ऑर्डर दीजिए सर, परेशानी बढ़ रही है, ऑर्डर दीजिए। घुटने पर बैठ। क्या? वो प्रेग्नेंट थी। अब इस साले वहां स्नाइपर्स है, उनके लगना चाहिए कि हम कैदी है। हाथ ऊपर कर। चला की मत करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बैठे क्यों, खड़े हो जाओ। वो उन दोनों हॉस्टेजेस को मारने वाले हैं। सब लोग नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे चल, नीचे बैठ। अरे बोला ना नीचे बैठ, झुक जाओ नीचे, खड़े हो जाओ, बंद करो ये नाटक। निशाना बिल्कुल क्लियर है, ऑर्डर दीजिए सर। दिस इज कॉन्डो 3, वहां पे बंदूक लाने खड़ा है। हम तैयार हैं, जल्दी ऑर्डर दीजिए सर। सर क्या करना है जल्दी बताइए। मुझे परमिशन चाहिए। वो अभी भी बंदूक लाने खड़ा है, क्या करना है बताइए सर। मुझे परमिशन दो। कॉन्डो 3, हमें कितने पास साफ दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो जवाब दो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये तेरे पीछे स्नाइपर है, बैठ जा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं बंदूक नीचे रख, नीचे झुक जाओ। शूट हिम। कॉन्डोर 3, फौरन गोली चलाओ। बताओ पीछे। हमने एक को मार गिराया सर। निशाना सही लगा है सर, निशाना सही लगा है सर। हम